नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल मुफ्त ज्ञान गुरुजी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कारगर आयुर्वेदिक उपाय लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप अपने चेहरे के कालेपन को, चेहरे के डार्कनेस को दूर करके अपने चेहरे को गोरा बना पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने चेहरे को गोरा करने के लिए। हम यहाँ पर लेंगे बेसन। सदियों से बेसन का प्रचलन चेहरे के दाग धब्बे झाइयों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। पता नहीं कितने सालों से इसका इस्तेमाल लोग अपने चेहरे पर करते आ रहे हैं। यह हमारे चेहरे को नेचुरल तरीके से गोरा करता है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। बेसन न सिर्फ हमारे चेहरे को गोरा करता है बल्कि हमारे चेहरे के मैल दाग धब्बों को दूर कर देता है। तो दोस्तों, हम इसमें और दो चीज़ों को मिलाने वाले हैं और जब आप पहली बार इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करेंगे और लगाने के एक घंटे के बाद जब आप अपने चेहरे को धोएंगे तो आपके चेहरे पर गजब का रौनक आएगा, गजब का चमक आएगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो नुस्खे होते हैं वो 100% काम करते हैं। आपके चेहरे से मैल को धो देते हैं, गंदगी को साफ कर देते हैं, जिससे आपका चेहरा निखरता है, चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ भी दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे इसे बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चम्मच से थोड़ा सा कम एलोवेरा जेल ले लीजिए। मार्केट में आपको एलोवेरा कई तरह के मिलते हैं, एक पतंजलि का भी आता है तो उसका कलर जो है दूसरा होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें एक चम्मच की मात्रा में बेसन को डाल दें और पहले आप इन दोनों को अच्छे से मिलाएं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे। और अगर आपको इसके बारे में पता रहेगा तो आप किसी और को बता पाएंगे और खुद फ़ायदा ले पाएंगे, अपने चेहरे की रंगत को निखार पाएंगे। अच्छे से इसे हम मिला ले रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक क्रीम की तरह यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। बेसन का कमाल ही कुछ ऐसा है दोस्तों। अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसमें तीसरा चीज लेंगे, ये दोस्तों इतनी मात्रा में दही। आप सभी लोग जानते हैं दही हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही का प्रयोग करने से हमारा जो चेहरा होता है वह खिल जाता है, रंगत आ जाती है, चेहरे पर एक तरह का गजब का निखार आ जाता है, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा सा एक पेस्ट के रूप में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब आप इसे इस तरह से लीजिए और अपने चेहरे पर इस तरह से लगाइए, एक उबटन की तरह वहां पर ऐसे लगाइए। आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा कम से कम अपने चेहरे पर इसे रखिए। हर रोज इसका प्रयोग कीजिए। पहली बार जब अपने चेहरे पर लगाएंगे और धोएंगे तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी।